पीएम मोदी ने 2030 तक देश को इको फ्रेंडली और प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में इंदौर के स्टार्टअप यूनिट ईवी ऊर्जा ने एक कदम आगे बढ़ाया है। टीम के 15 लोगों ने मिलकर मध्य भारत की पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली का आयोजन किया। टीम ने इसे गो इलेक्ट्रिक ग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल रैली का नाम दिया। टीम सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज को एक साथ लेकर आई है। रैली में वो लोग भी शामिल हुए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किए। इस रैली का मकसद है लोगों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रति जागरूकता लाना और भ्रांतियों को खत्म करना है। इंदौरवासी ने बढ़ चढ़ कर इस रैली में हिस्सा लिया और जैसे स्वच्छता में नंबर वन आए हैं उसी तरह देश की पहली इलेक्ट्रिक सिटी भी बनाने का संकल्प लिया। रैली सेल्फी प्वाइंट पलासिया से शुरू होकर गीता भवन चौराहे तक पहुंची, फिर दोबारा सेल्फी प्वाइंट पर आकर खत्म हुई। इस रैली में 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शामिल हुए। एक्चुअली इसका जो शुरुआत ही की गई है वो पर्यावरण मित्र होने के कारण की गई है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रदूषण लगभग निग्लिजिबल होता है, कोई प्रदूषण डायरेक्टली नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अधिक से अधिक प्रमोट किया जाना चाहिए और आगे बढ़ाया जाए। ये मार्केट है जो आने वाले ईवीज को रोल ऑन करेगा फ्यूचर में, और लाइक इसमें जो ई वेरिटो फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश में ऐसी कोई रैली में पार्टिसिपेट कर रही है,